तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना आशकाश। और तो आज की वीडियो में भाई हम बताने वाले हैं जो कार है मराजो, ये आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखी होगी काफ़ी ज़्यादा। अगर पहले वो नहीं देखा तो वो देख लो। आज मैं बताने वाला हूं इस कार की कुछ डिसएडवांटेज का मतलब भाई रॉन्ग होते हैं ना। डिसएडवांटेज का मेरा मतलब है कि इस कार की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ओनर को पसंद नहीं आई, वो कुछ ऐसी चीज़ें मैं बनाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कार के रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो सबसे पहले भाई मैंने इस कार को ड्राइव करने के एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं जो मेरे को भाई इस कार में कमी लगी है, मेरे को दिक्कत लगी है, मेरे को पसंद नहीं आए। इस वीडियो से मैं बता दूं, मैं कोई भी हेट वगैरह फैलाना नहीं चाहता महिंद्रा या फिर किसी भी ब्रांड के नाम पर। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ आप व्यूअर्स के आगे कि अगर आप ये कार लेते हैं तो भाई आपको क्या इसकी कमियाँ फेस करनी पड़ सकती है और क्या आपको फ़ायदे इसके मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो अपना आता है भाई महिंद्रा मराजो की जो कमी बताता है, सबसे पहला पॉइंट वो है कि भाई इस कार में कोई भी पेट्रोल वेरियंट नहीं आता। इस कार में सिर्फ आपको डीजल वेरियंट देखने को मिलेगा, कोई भी इसमें पेट्रोल वेरियंट नहीं मिलेगा। आप देखो, किसी बंदे को अगर रनिंग नहीं है, मतलब किसी बंदे की रनिंग कम है, जैसे कि मैं हो गया, मेरी कार की रनिंग थी कम, जैसे कि आप ये देखते हैं मेरी कार खड़ी है, मेरी कार की रनिंग थी कम, तो उस हिसाब से मैं ये कार मेरे को पसंद थी, सेफ्टी वाइज मेरे को अच्छी लगती थी ये कार। इस कार को लेने में गया लेकिन वहाँ पर मेरे को पेट्रोल वेरियंट नहीं मिला और मेरी रनिंग इतनी है नहीं कि मैं डीजल वेरियंट उठाऊँ। इसलिए मैंने ये नंबर वन पॉइंट अपना चूज़ कर लिया कि भाई मेरे को ये महिंद्रा की मराजो क्यों पसंद नहीं, क्योंकि आपको डीजल वेरियंट का पता है दिल्ली में भाई डीजल इंजन की लाइफ भी कम है, सिर्फ 10 साल चला सकते हैं, जबकि ये जो पेट्रोल कार है आपकी ये आपकी 15 साल चल सकती है। और जो ये वाली कार डीजल कार है ये आप 10 साल से ऊपर चला नहीं सकते, ये सरकार ने बैन करा हुआ है कि आप अपनी कार 10 साल से ऊपर डीजल कार नहीं चला सकते। अब चलते हैं भाई सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट इस कार का डिसएडवांटेज भाई ये है कि जो आप इसके अलॉयज़ देख रहे हैं भाई, ये अलॉयज़ की लुक देखो, ये अगर कोई बंदा साइड से देखे तो ये एक तरीके की व्हील कैप लगती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मराजो का है M6 वेरिएंट में आपको ये वाले अलॉयज़ मिलते हैं। इसका साइज़ है 17 इंच इसके अलॉय व्हील्स, लेकिन इन अलॉय व्हील्स की भाई लुक आपको बिल्कुल रिम जैसी मिलती है, जो आपका अपना आर्टिका में ऐसे वो लगाया हुआ व्हील कवर, उनकी जैसी लुक मिलेगी आपको इसकी। इतनी कोई खास लुक नहीं लगती भाई। लुक वाइज तो देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, और मैं भी यही कहूँगा कि भाई अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अलॉय व्हील्स है ना भाई, देखो इनकी लुक इतनी अच्छी नहीं है। 16 इंच के ये व्हील्स है, लेकिन इनकी कहीं से भी अगर जैसे मैं दूर से देखूँ ना चलते हुए इस गाड़ी को अगर हम देखें तो ये कहीं से भी अलॉय व्हील्स नहीं लगते। ये था अपना सेकंड पॉइंट, मतलब दूर से चलते हुए देखते हैं तो भाई इनकी आपको लुक नहीं दिखेगी। आपको अगर इससे ऊपर वाला वेरियंट लेते हैं, यहाँ से आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा, अगर आप इससे ऊपर वाला वेरियंट लेते हैं मराजो का तो उसमें आपको एक साइज़ बड़ा मिलता है अलॉय व्हील्स का, वो अलॉय व्हील्स अच्छे लगते हैं। लेकिन इन अलॉय व्हील्स में एक दिक्कत है सिर्फ लुक्स की। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो भाई थर्ड पॉइंट चलने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा कार के अंदर। तो भाई थर्ड पॉइंट अपना है कि इस कार के जो स्पीकर है, थर्ड पॉइंट मैं बताने वाला हूँ इन कार के स्पीकर्स के बारे में। तो भाई जो इस कार के ओनर है वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे एक बार पूछ के बताता हूँ कि इनके स्पीकर्स उनको कैसे लगते हैं। भाई इस कार के स्पीकर कैसे हैं? कर इसके वैसे तो अच्छे हैं, बट थोड़ी सी लो क्वालिटी लगती है मुझे इनोवा के कंपैरेटिव। इसको इनोवा से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन मैं इसको अपनी जो पीछे अर्टिका खड़ी है उससे भी अगर कंपेयर करूं तो भी इसकी स्पीकर है वो थोड़ी मेरे को डाउनग्रेड लगती है। इसकी जो बेस वगैरह है वो आपको क्लियर नहीं आती। ये ऑप्शन भी आप देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ थर्ड पॉइंट, ये आप बाहर से ठीक करवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट दुनिया भर के स्पीकर्स आते हैं वो आप इस पे लगवा सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये कंपनी फिटेड स्पीकर है ना, इसमें आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। तो उन क्वालिटी, हाँ अर्टिगा के इससे बेटर है, उस क्वालिटी को आपको स्पीकर क्वालिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसके लिए। और भाई अभी आपको अगर नहीं विश्वास होता तो मैं आपको स्पीकर की इसकी सिर्फ टेस्ट की वीडियो बना के दिखा दूंगा कि इसके स्पीकर कैसे हैं, NCS का सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा दूंगा। और भाई इन भाई का यूट्यूब चैनल है किस नाम से भाई अपना? इट्स मी जसकीरत। कोई भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ खत्म हो गया स्पीकर क्वालिटी का। अब चलते हैं भाई फोर्थ पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है भाई अपना वो है कि इस कार की एवरेज, इस कार की जो डीजल इंजन का जो आता है, इसमें आपको मैंने पहले बताया कोई पेट्रोल इंजन नहीं आता है, जो डीजल इंजन आता है उसकी भाई एवरेज इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर किसी और आप किसी वेरियंट इसकी किसी और राइवल से कंपेयर करते हैं तो इसका भाई एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। इसकी एवरेज आपको थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगेगी। देखो अभी मैं खड़ी गाड़ी में AC लाके बैठा हूँ
तो ये तो भाई अपने वैसे कंफर्ट के लिए बैठे, लेकिन वैसे अगर मैं बताऊं तो इसकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं है, ये आपको 10 के अराउंड देती है एवरेज है भाई, वो बहुत कम लगती है इस डीजल इंजन के मुकाबले, क्योंकि ये 1500 cc का इंजन है इसमें और पावर तो ये काफ़ी अच्छी शो करता है, लेकिन जब बात आती है कि माइलेज कैसे निकालता है ये, उसमें हल्का सा ये लैग खा जाता है। अगर आप इसकी माइलेज अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको बिल्कुल ज़रूर से बाय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक और बताना चाहूँगा कि ये जो माइलेज होती है अपने ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड होती है, मेरे ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग भाई इसने मेरे को 10 की एवरेज दी है, जिससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे को 12 की एवरेज मेरी अर्टिगा निकाल के देती है पेट्रोल में, लेकिन इसमें 10 की एवरेज वो भी डीजल इंजन में, वो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो ये आप पॉइंट अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आपको ये चेक करना है ये खुद आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। बाकी अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो जो फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट है वो है भाई इस कार की इंजन की नॉइज़। भाई जो लास्ट पॉइंट है मेरा इस कार की इंजन की नॉइज़ है वो आपको मैं सुनाने वाला हूँ अभी। ये है आपका डीजल इंजन, 1500 cc का इसमें इंजन मिलता है और इस पर काफ़ी अच्छी पावर मिलती है आपको। तो अभी चलता हूँ आगे, इसके इंजन की नॉइज़ सुनाता हूँ आपको कैसी नॉइज़ लगती है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी अर्टिगा पीछे ही खड़ी है बिल्कुल, इसके इंजन की नॉइज़ सुनाना चाह रहा हूँ। भाई मेरे साथ चलेंगे एक बारी? चलो चलो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका AC भी ऑफ करके जाऊँगा। ये देखो AC आपके सामने, मैंने इसको ऑफ कर दिया और इसका अभी हुड खोल के चलते हैं आगे और दिखाता हूँ आपको कि इसमें कितनी नॉइज आती है। भाई बहुत ज़्यादा नॉइज आती है इसमें डीजल इंजन में, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं भाई कि इस इंजन में कितनी नॉइज है, ये डीजल इंजन है भाई, काफ़ी ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है ये। और भाई अगर आप इसकी नॉइज़ को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो अगर अंदर बैठोगे और इसको रेव करोगे 2000-2500 RPM के बाद, ये अंदर जो इसकी नॉइज़ है ना ये इरीटेट करने लग जाती है। 2500 RPM के बाद ये आपको नॉइज़ अंदर इरीटेट करेगी और बाहर आपको भी इतनी देखो महसूस नहीं हो रही होगी। वैसे मेरे को पता है कि डीजल इंजन में जितनी नॉइज़ आती है वो पेट्रोल इंजन के मुताबिक बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पेट्रोल की रिफाइनमेंट ज़्यादा है और वैसे भी हम चलाते हैं मारुति की गाड़ी जो रिफाइनमेंट के नाम में मशहूर है। और उसके बाद मैंने मारुति चलाई है, तो उसके बाद मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो नॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और अपनी छोटी सी डिसएडवांटेज की वीडियोस बना रहा हूँ कि इसमें क्या डिसएडवांटेज मेरे को लगी। और ये जो डिसएडवांटेज है ना, ये आप भाई आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, आपको जैसी लगे वो आपके ऊपर है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हैं इस कार को बाय करना है या फिर नहीं करना। मैं इस कार में ऐसे कोई भी हेट नहीं रखता, मैं सिर्फ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, कोई भी मैं हेट इस वीडियो के थ्रू नहीं स्प्रेड करना चाहता। तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लें और जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ उनको एक बार ये कार बाय करने से पहले एक बार कंसीडर कर लें, ये कार खरीदने से पहले उन पॉइंट्स को एक बार ध्यान से देख लें। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना इस चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को। अगर आपको ये अच्छी लगी, जो बंदा मराजो ले रहा है उसको देख कि आपकी कार को मैं आपको क्या फेस करना पड़ सकता है, उसको ये वीडियो आप सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।